नमस्ते, मैं निशित रोशन हूँ। मैं बोकारो का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी नर्सरी से क्लास 10 तक की स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से की है। इस पैंडेमिक के पीरियड में बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर कैसे चेक होंगे उसकी बहुत अनसर्टेनिटी थी, लेकिन जब रिजल्ट्स आ गए हैं तो मैं अपने परफॉर्मेंस से बहुत ही सैटिस्फाइड और खुश हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे गए थे, कुछ स्लाइट मिस्टेक्स हुई थी, लेकिन जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने अपना परसेंटेज 97 से 98 के ही बीच में एक्सपेक्ट किया था। मैंने पूरे साल अच्छे से प्रिपेयर किया था, पर एग्ज़ाम का वर्ड सुनते ही एक डर आ जाता है। वो डर मुझे भी था, पर अब जब रिज़ल्ट आ चुका है तो वो डर अब खुशी में बदल गया है। मैंने पूरे साल अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहने की मेहनत और कोशिश की है। मैं स्कूल और कोचिंग के अलावा घर में 3 से 4 घंटे पढ़ता था, और स्पेशली SST के लिए मैं YouTube में मैग्नेट ब्रेन्स एक चैनल है उससे अपने कंसेप्ट्स क्लियर करता था। मुझे लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करना सफिशियंट है। NCERT बुक को हमेशा फॉलो करते रहें, और जो भी डाउट हो उसे तुरंत ही अपने टीचर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लियर करके रखें, कभी डाउट्स पाइल अप ना करें। मैं अपनी आगे की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम लेकर DPS बोकारो से कंटिन्यू करूंगा, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की भी तैयारी करूंगा ताकि मुझे अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल सके। मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और लगन को देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट और मोटिवेट किया। एग्ज़ाम से पहले मुझे अपने स्कूल का पूरा सपोर्ट मिला था। टीचर्स हमेशा अवेलेबल थे डाउट्स क्लियर करने के लिए, और मेरे स्कूल के प्री बोर्ड्स बहुत अच्छे थे। उसने मुझे एक एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव दिया और मेरी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई थी। अगले साल जो छात्र छात्राएं बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट सेल्फ स्टडी करते रहें, डाउट्स पाइल अप ना होने दें, कंसेप्ट्स हमेशा क्लियर रखें, और प्रैक्टिस पेपर ज़रूर सॉल्व करें ताकि एक एग्ज़ाम की कंडीशनिंग हो जाए। मैं उन्हें ये भी बोलूँगा कि अपनी मेहनत और अपने पे हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि अंत में वही इम्पोर्टेंट है। खेलता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को अपने पढ़ाई पर अफेक्ट होने नहीं दिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप मोबाइल गेम्स खेलें, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे खेलें, और आप जितना मोबाइल गेम्स खेलें उससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप टेक्नोलॉजी को अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करें, उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा।